हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जिनीज वर्ल्ड। तो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है अरसों पर। तो अरसा जो है वो होता है एक पहाड़ी स्वीट या पहाड़ी खलियो कह लो आप उसको। तो गाइज, अरसा बनाने के लिए जो चाहिए वो मेन इंग्रेडिएंट है चावल का आटा। तो इसमें हम भीगे हुए चावल लेते हैं। तो ये चावल हमने जो है वो मॉर्निंग में भिगोने के लिए छोड़ दिए थे और शाम को हम ये यहाँ पे इसको कूट रहे हैं। तो इसका पानी जो है वो उसको हटा के इसको ऐसे कूटना है उखली में। तो ये प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से हम कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो मेरी मदर इन लॉ और जो है वो एक आंटी जी हमारी हेल्प कर रही हैं। तो आंटी जी एक्सपर्ट हैं कूटने में, तो हम अभी ट्रेनी हैं। तो फटाफट से बस इसको कूटना है, उसको छानना है और फिर घर आके ये हम कर रहे हैं। ये हमने एक पतीला लिया है आग में और इसमें हम डाल रहे हैं और गुड़ और पानी डाला है इसमें। और अब इसका बना रहे हैं हम पाक। तो जैसे चीनी का चास होता है ना, तो इसका होता है पाक। तो उसका जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे चास का चेक करते हैं तो वैसे इसका भी चेक करते हैं। तो उसके बाद जो चावल का आटा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ चेक कर रही हैं कि मतलब सही हुआ नहीं हुआ, कितना पका। और यहाँ पर हम आग का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें जल्दी हो जाता है, अंगीठी का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप गैस में बनाने जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा और आराम से बन जाता है बाहर पे। तो इसको बार बार जो है वो अच्छे से हिलाना पड़ता है ताकि कोई लम्स ना बने या फिर नीचे ना लगे। ये देखिए, तो इसको हमें अच्छे से पका लेना है क्योंकि अगर ये अच्छे से नहीं पकेगा तो जो हमारे अरसे हैं वो फूट जाएंगे, अच्छे से नहीं बनेंगे। और जो पहाड़ी होंगे उनको पता होगा अरसा क्या होता है। ये जो ट्रेडिशनल पहले जब मिठाइयाँ नहीं होती थी तो इसको ही देते थे एज अ मिठाई, और अभी भी देते हैं गांव में। जैसे कोई शादी के बाद होता है ना, मायके से ससुराल जा रहा है। तो बस ये हमारा जो है पाक तैयार हो चुका है। और अब ये यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ उसमें जो आटा हमने पीसा था, चावल का आटा कूटा था। तो बस इसको हमें धीरे धीरे मिक्स करना है, धीरे धीरे लेके, क्योंकि एक साथ करेंगे तो जो है वो लम्स बन जाएंगे। और यहाँ पे हमने कढ़ाई रखी है, इसमें तेल डाला है गर्म करने के लिए। तो बस अब इसको क्या करना है, इसके छोटे छोटे जैसे पुए टाइप के रहते हैं ना, तो वो बना के पकौड़ियाँ ही समझ लो, वो बना के इसको तल देंगे। यहाँ पर तेल चेक हो रहा है अभी प्रॉपर गर्म हुआ या नहीं। हमारा तेल जो है वो एकदम तैयार है। तो यहाँ पे जो है हम धीरे धीरे जो है वो अरसे डाल रहे हैं इसमें। तो इसकी जैसी कंसिस्टेंसी रहेगी उस हिसाब से ये सॉफ्ट या हार्ड भी होते हैं। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये हमारे अरसे हो चुके हैं तैयार। तो आप इनको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहाड़ी स्वीट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।